हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये लिलियम है, एशियाटिक लिली। कई वैरायटीज आती हैं। ये बहुत ही प्रिटी कलर्स में आती हैं, जैसे येलो, ऑरेंज आपने देखा, और भी कई कलर्स और शेड्स में आती हैं। इसके अलावा ये एक बल्बस प्लांट है, जो 90 डेज में बल्ब लगाने के बाद बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल में और राइट टेम्परेचर में 90 डेज में आपको फ्लावरिंग ऐसी दे देता है। तो आप लगा सकते हैं इसको। मैंने नवंबर में लगाया था, 21 नवंबर के करीब लगाया था, और आज फरवरी एंड हो रहा है, और 90 दिन के करीब करीब ही इसमें देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी लिली के फ्लावर्स आ चुके हैं। तो आइए चलिए इसकी केयर देखते हैं कि कब इसकी बल्ब्स लगाएं, कैसे लगाएं, कैसी सॉइल में लगाएं, और इसको क्या क्या फीड दें, ताकि आपके घर भी ये खूब अच्छे से ऐसे ग्रोथ हो और ऐसे ही फ्लावरिंग करे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ने इसको 90 डेज पहले कैसे सॉइल में लगाया था, क्या क्या पॉटिंग सॉइल ली थी। ये बल्ब्स हैं लिलियम के, अलग अलग कलर है। ये पिंक कलर है और ये येलो कलर है। पांच ये हैं, पांच ये हैं। अब मैंने ये एक कंटेनर ये लिया है और तीन कंटेनर्स ये लिए, और इनको सबको कलर कर लिया है। और जो पॉटिंग सॉइल ली है उसमें मैंने मैक्सिमम लिया है लीफ मोल्ड, वो होगा करीब 60%, 20% गार्डन सॉइल और 20% काउडंग मैन्योर। साथ में जो ये वाइट दिख रहा है ये फंगीसाइड है, नीम खली और बोन मील। बोन मील बहुत ज़रूरी है बल्बस प्लांट के लिए, बहुत फास्फोरस कैल्शियम बहुत मिलेगा। तो ये हम लोग पॉटिंग सॉइल मिक्स करके मिलते हैं। तो इसमें जो नीचे दबाएंगे वो ट्वाइस द हाइट होगा, और बहुत ध्यान से करना है, जो इसकी टिप अगर खराब हो जाती है फिर उसके बाद ये निकलता नहीं है, गल जाता है उसके बाद। तो ये बहुत ध्यान से रखना है कि इसकी टिप खराब ना हो और हल्की सी जमीन से ऊपर हो। तो चलिए लगा के हम लोग मिलते हैं। अब ये फंगीसाइड वाला पानी सब में डाल देंगे, और इसको वाटरिंग बहुत ध्यान से करनी है। ज्यादा पानी होते ही ये सारे बल्ब्स गल जाते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान से, जब तक, अब अगली वाटरिंग तभी करेंगे जब अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। जब तक ड्राई नहीं होगा जब तक इसको वाटर नहीं करेंगे। अब जैसे ही बल्ब स्प्राउट करते हैं आप इसको थोड़ी ब्राइट लाइट दे सकते हैं, क्योंकि ये ब्राइट लाइट लाइक करता है सब विंटर्स की। तो इसकी इसके पॉट को, अगर पॉट में लगाया हुआ है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं पॉट को ब्राइट लाइट एरिया में, क्योंकि विंटर्स के सन में बहुत ज़्यादा गर्माइश या हीट नहीं होती है। करीब 90 डेज के दौरान मैंने करीब तीन चार बार इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र सॉइल के चारों तरफ दिया है, और वो है फर्टिलाइज़र इसमें नीम खली, थोड़ी सरसों खली और काउडंग मैन्योर, साथ में गुड़ का पीस फर्मेंट करके, उसको तीन चार दिन तक फर्मेंट करके, इनफैक्ट डाइल्यूट करके बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड सॉल्यूशन को, वो लिक्विड को, डाइल्यूटेड लिक्विड को दिया है। ये जो फ्लावर्स हैं लिली के, ओरिएंटल हो चाहे एशियाटिक लिली हो, ये कट फ्लावर्स की तरह भी यूज़ हो जाते हैं। तो ये घर के अंदर भी कई दिन चल जाते हैं, मगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होगी तब ये फेड भी हो जाते हैं, और उसके बाद ये बहुत जल्दी विल्ट करके ख़त्म हो जाते हैं। शेड में मैंने भी इसको शेड में शिफ्ट कर दिया है, दीवार के पास और थोड़ी ऊपर शेड है, तो ये काफ़ी दिन चल जाते हैं, करीब 10-15 डेज, और ये मार्च तक आपके खिल सकते हैं। जैसे एंड फरवरी में शुरू हुए कलियां खिलनी, और एक एक स्ट्रोक में तीन तीन चार चार आराम से आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो ये बहुत टॉल प्लांट नहीं होते, मगर कई बार जैसे ये तीन तीन चार चार फ्लावर्स एक साथ खिलते हैं
थोड़ा हैवी हो जाते हैं, तब आप स्टेकिंग कर सकते हैं हल्की फुल्की, ताकि ये गिरे ना, झुके ना बहुत तेज़ हवाओं में। नेक्स्ट चीज़ है इसकी इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन इनमें कई बार हो जाता है। इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए आप इसमें थोड़ा नीम ऑयल का स्प्रे 1 लीटर वाटर में कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ताकि इसमें इन्फेस्टेशन ना हो। इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी बहुत अच्छे से ड्रेन हो। अगर पानी ड्रेन नहीं होता, तब इनमें बल्ब में रॉटिंग शुरू होती है। तो ये दो चार चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ ये लिलीज खूब अच्छे से फ्लावर्स देंगी और बहुत प्रिटी लगती हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब फ्लावर्स खिल चुके हैं और ये फ्लावर्स एकदम विल्ट कर जाएं, तो कब इन पॉट्स को आप बल्ब रिमूव कर सकते हैं, प्लांट रिमूव कर सकते हैं। प्लांट को रिमूव करने की एकदम जल्दी ना करें, क्योंकि जब तक इसकी ये जो लीव्स हैं ये ड्राई ना हों, तब तक आप इसको एकदम रिमूव ना करें, ताकि आपके जो ये बल्ब हैं उनमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए, पूरी ग्रोथ हो जाए, मल्टीप्लाई होना है तो मल्टीप्लाई हो जाए, और फिर उसके बाद आप इनको मार्च एंड या अप्रैल तक मैं इनको, जब ये पूरी ड्राई हो जाएंगी, तब इनके बल्ब निकाल के रेस्ट करने के लिए न्यूज़पेपर में लपेट के एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख लूँगी, ताकि ये नेक्स्ट ईयर दोबारा मैं ये यूज़ कर लूँ।